से रंगदारी मांगने वाले 25,000 के इनामी अपराधी विनय यादव को जगह थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर पहुंचने पर प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर किया जोरदार स्वागत। कहा, प्रदेश के सभी सीटों पर प्रसपा लड़ेगी निकाय चुनाव। रामपुर मैनपुरी सीट पर पार्टी के सदस्यों से बात करने के बाद लिया जाएगा निर्णय। मकर संक्रांति मेले की तैयारी बैठक मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में हुई संपन्न। मकर संक्रांति मेले की सभी तैयारी समय से पूरी करने और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा एवं व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। पूर्णिमा के पर्व पर राप्ती नदी के तट गोरखनाथ घाट और श्रीराम घाट पर मंगलवार को आस्था और श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। कहा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पूरे महीने का मिलता है पुण्य फल। जटा शंकर गुरुद्वारे में धूमधाम से मनाए गए गुरु नानक देव का 554वां प्रकाश पर्व। गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, समाज के उत्थान के लिए गुरु नानक देव ने किया था अनेकों कार्य, सभी को लेनी चाहिए उनसे प्रेरणा। पुलिस प्रशासन की निगरानी में रामघाट पर कार्तिक पूर्णिमा का स्नान सकुशल हुआ संपन्न। 15,000 से ज्यादा लोगों ने लगाया नदी में आस्था की डुबकी। नदी में NDRF व SDRF स्नान करने वाले व्यक्तियों की करते रहे निगरानी। और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर मंगलवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया देव दीपावली का पर्व। कहा, देव दीपावली के दिन दीपक जलाने से बुद्धि ज्ञान और जीवन की दूर होती है कठिनाइयां।